पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओलावृष्टि से हुई खराब फसलों का मुआवजा देने की मांग उठाई है। हुड्डा का कहना है कि शनिवार को प्रदेश के 12 से 13 जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, साथ में तेज हवाओं के चलने से गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह तो 100 तक खराब फसल हुई है, इसलिए सरकार को तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। कल ओलावृष्टि से बड़ा भारी नुकसान हुआ है हरियाणा में और इस जिले में भी और सारे जिलों में जो अलग अलग जगह से खबरें मिल रही है, सारी की सारी 100% फसल कई जगह खराब हो। तो मेरी सरकार से वो है कि तुरंत स्पेशल गिरदावरी करके कंपनसेशन दें। हालांकि सरकार कंपनसेशन की क्लेम करते हैं, अब तक भी 422 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान का कंपनसेशन बकाया है 21-22-23 का, वो भी पूरा करें और जो नुकसान हुआ है भारी इसको भी पूरा करें। इसमें किसान को डबल मार पड़ रही है, कई जगह बीमा कंपनी की वो लापरवाही है, कई जगह हुआ है। तो इस वास्ते ऐसी परिस्थिति में है जो नेचुरल क्लाइमेट फंड से इसको इनको तुरंत राहत दें।